नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट हमारी सेकंड चल रही थी, आज हम उसका लेक्चर सिक्स लेकर आए हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सीएफटी क्या थी। सीएफटी के बाद हमने ये पढ़ा था कि अष्टफलकी और चतुष्फलकी संकुलों में सीएफटी के अनुसार किस प्रकार विपाटन होता है। फिर हमने सीएफएसी की कैलकुलेशन देखी थी कि अष्टफलकी संकुलों में किस प्रकार करते हैं और चतुष्फलकी संकुलों में किस प्रकार करते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर के शुरुआत में लिगेंडों को क्लासिफाई किया था। मैं बार बार बोल रही थी ये प्रबल लिगेंड है, ये दुर्बल लिगेंड है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस प्रबल लिगेंडों से बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दुर्बल लिगेंडों से बनते हैं। तो ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड क्या है और इनको कैसे पता चला कि ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड है? तो हम देखकर नहीं बता सकते कि लिगेंड प्रबल होगा या दुर्बल होगा। क्या होता है कि किसी की प्रबलता को जांचने के लिए थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये जो आपके सामने सीरीज बनी हुई है, इसमें आपने देखा होगा आई माइनस सबसे पहले है, इससे ज़्यादा प्रबल बी आर माइनस, और इस तरह से प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में कहाँ पर आकर खत्म हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड पर आकर खत्म हो रही है। तो हमें कैसे पता चला कि जो आयोडीन है वो सबसे दुर्बल होगा, CO जो है वो सबसे प्रबल होगा? तो क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। इन सभी लिगेंडों को अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस के साथ, यानी अलग अलग धातु आयन के साथ संकुल बनाए गए। फिर उनकी सीएफएससी कैलकुलेट की गई, तो पता चला कि जो कुछ लिगेंड दुर्बल थे उन्होंने सीएफएससी का मान कम दिया, कुछ लिगेंड प्रबल थे। इसी आधार पर जब लिगेंडों को एक्सपेरिमेंटली देखा, फिर उसके बाद लिगेंडों को क्या किया गया, सीएफएससी के बढ़ते क्रम, यानी कि अगर आयोडीन के साथ संकुल बना होगा तो सीएफएससी का मान सबसे कम आएगा, यानी स्प्लिटिंग बहुत कम हुई होगी, डेल्टा का मान क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है, और अगर CO रहेगा तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो डेल्टा का मान भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से सीएफएससी के बढ़ते हुए क्रम में लिगेंडों को रखा गया और जब देखा गया तो एक सीरीज प्राप्त हुई, जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी। तो क्या किया गया, यहाँ पर लिगेंडों को बढ़ते हुए डेल्टा के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी कहलाती है। तो ये जो श्रेणी है, ये भी हम इसको भी कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। इसमें से कुछ लिगेंड जो हैं जो बहुत ही दुर्बल हैं, कुछ लिगेंड हैं जो बहुत ही प्रबल हैं, और कुछ लिगेंड हैं जो मॉडरेट होते हैं, ना तो प्रबल हैं बहुत ज़्यादा ना दुर्बल हैं बहुत ज़्यादा। तो हम देखते हैं ये आई माइनस से लेकर के NH3 यहाँ तक, आई माइनस से लेकर के NH3 यहाँ तक ये जो लिगेंड है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ये लिगेंड क्या कहलाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। और इसके आगे के ये जितने भी लिगेंड हैं, खास तौर से ये लास्ट वाले, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। हालांकि ये जो NH3 है और ये GlyNSys- है और इथिलीन डाइअमीन है, पिरिडीन है, ये कभी कभी क्या होता है, हमें देखते हैं कि देखने में तो ये दुर्बल है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं केसेस पर ये क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। तो यानी कि क्या मॉडरेट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, हाई स्पिन भी बना सकते हैं, लो स्पिन भी बना सकते हैं, यानी प्रबल भी हो सकते हैं और दुर्बल भी हो सकते हैं, मॉडरेट रहते हैं, बीच में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले लिगेंड है ये सबसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, सबसे ज्यादा सीएफएसी का मान, डेल्टा का मान यहीं से प्राप्त होगा। जो ऊपर वाले लिगेंड है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यानी कि उनसे डेल्टा का मान कम प्राप्त होगा। एक्सेप्शन है एक CO के साथ, एक एक्सेप्शन है किसके साथ, कोबाल्ट CO। कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल
जब कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो केवल इन लिगेंडों के साथ हाई स्पिन संकुल बनाता है, केवल इन लिगेंडों के साथ हाई स्पिन संकुल बनाता है। इनके अलावा अगर कोई और भी लिगेंड उपस्थित होगा, चाहे भले ही वो नॉर्मली दुर्बल कहलाए, लेकिन कोबाल्ट अगर प्लस थ्री में है तो उसके साथ क्या बनाएगा? प्रबल क्षेत्र, तो उसके साथ निम्न चक्रण संकुल बनाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं आदि लिगेंडों के साथ क्या बनाता है? हाई स्पिन, यानी कि उच्च चक्रण संकुल बनाता है। यानी कि अगर कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में है और इनमें से कोई एक लिगेंड मौजूद है तो वो क्या होगा? हाई स्पिन, उच्च चक्रण। लेकिन अगर ये है CONH3 का होल 6 3+, तो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? प्लस थ्री। लिगेंड कौन सा है? NH3। तो NH3 को अगर हम देखें, वैसे तो दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो हाई स्पिन बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। अब कोबाल्ट प्लस थ्री है तो हम देखें क्या इनमें से कोई भी लिगेंड NH3 इनमें मौजूद है? इनमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब NH3 जो कोबाल्ट के साथ संकुल बनाएगा वो कैसा होगा? वो होगा निम्न चक्रण, लो स्पिन, है ना। तो यानी कि जब कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो केवल इन दिए हुए लिगेंडों के साथ ही हाई स्पिन बनाता है। इनके अलावा अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी लिगेंड बचे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उन सबके साथ क्या बनाएगा? लो स्पिन बनाएगा। और अगर ये मौजूद रहेंगे तो इनके साथ क्या बनाएगा? हाई स्पिन बनाएगा। कौन? कोबाल्ट प्लस थ्री, केवल प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में। प्लस टू में ऐसा नहीं होता। प्लस टू में तो क्या होगा? यहां तक ये दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड है तो हाई स्पिन बनाएगा। और इसके आगे NH3 के आगे सब क्या है? प्रबल लिगेंड। इनके साथ क्या बनाएगा? लो स्पिन बनाएगा, अगर प्लस टू में हुआ तो। लेकिन जब प्लस थ्री में आता है तो ये एक्सेप्शन लग जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर कुछ लिगेंड दिए गए CH3 C6H5, इनको प्रबल क्यों कहा गया है? ये तो क्या कहते हैं, ये पाई डोनर भी नहीं है, ये क्या होती है? ये प्रबल सिग्मा डोनर है। CH3-H-, ये सब क्या होते हैं? प्रबल सिग्मा डोनर होते हैं। हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन, मैं क्यों बोल रही हूँ एक्सेप्टर डोनर क्या होते हैं वो हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि कौन होते हैं पाई एक्सेप्टर, कौन होते हैं पाई डोनर, क्यों लिगेंडों को पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, सिग्मा डोनर, इनमें क्लासीफाई किया गया और किस प्रॉपर्टीज के आधार पर, जो अगली यूनिट शुरू होगी उसमें देखेंगे हम, वहाँ इसी के बारे में पढ़ना है, लिगेंडों के बारे में क्यों इनको क्लासीफाई किया गया है, कौन प्रबल क्षेत्र हैं, क्यों दुर्बल क्षेत्र हैं, क्यों इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। अभी आप ये समझो कि CH3- और C6H5-, ये जितने भी लिगेंड है ये प्रबल क्षेत्र हैं, स्ट्रॉन्ग पाई डोनर है, सॉरी पाई एक्सेप्टर है, सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, लेकिन CH3- पाई एक्सेप्टर नहीं है, फिर भी प्रबल है। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा डोनर है, वो भी बहुत प्रबल, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। ये बात हम अगली यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ये N3- है, एजाइड। ठीक है, चलते हैं आगे। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, CFSE को प्रभावित करने वाले कारक।
कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सीएफएससी प्रभावित होती है, सीएफएससी को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीएफएससी को इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सीएफएससी को प्रभावित करने से मतलब है या तो सीएफएससी को बढ़ा देंगे या सीएफएससी को घटा देंगे। सीएफएससी के घटने बढ़ने से क्या मतलब है? मतलब है कि स्प्लिटिंग, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो स्प्लिटिंग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो स्प्लिटिंग को घटा देते हैं। जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो सीएफएससी ज़्यादा निकलेगी, यानी सीएफएससी ज़्यादा प्राप्त होगी। जब स्प्लिटिंग कम होगी तो सीएफएससी भी कम प्राप्त होगी, क्योंकि सीएफएससी क्या है, स्प्लिटिंग में निकली हुई ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, कहने का क्या मतलब है? एक रिलेशन है कि सीएफएससी जो होती है डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी सीएफएससी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी, तो सीएफएससी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट और सीएफएससी में। अब ऐसा क्यों हो जाता है? मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये ले लें हम COS2O का होल सिक्स, टू प्लस है, एक है हमारे पास COS2O का होल सिक्स, थ्री प्लस है, तो एक में कोबाल्ट क्या है, प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है, एक में क्या है प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में है, एक में क्या है प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो अब सीएफएससी देखें किसके लिए हमें ज़्यादा प्राप्त होगी, इसके लिए जो डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ फॉर इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखें तो क्या है यहाँ पर प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में, तो इसके लिए प्राप्त होता है केवल 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि इसके लिए कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर कोबाल्ट क्या है प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 20760 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पर डेल्टा का मान कितना प्राप्त हुआ 9200, और यहाँ पर कोबाल्ट प्लस थ्री में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ 20760। इसका मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो सीएफएससी है, कोबाल्ट यहाँ पर भी है, कोबाल्ट यहाँ पर भी है, H2O लिगेंड यहाँ पर भी है, H2O लिगेंड यहाँ पर भी है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सीएफएससी में इतना अंतर आ गया, एक कितनी कम सीएफएससी एक कितनी ज़्यादा, क्या अंतर आ गया? ऑक्सीकरण अवस्था का। यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, प्लस टू, यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, प्लस थ्री, प्लस थ्री प्लस टू। अगर प्लस थ्री में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस टू, यहाँ पर कितना है प्लस थ्री, जब ये प्लस थ्री में गया तो इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, चार्ज प्लस थ्री बढ़ गया। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, लीगेंड आ रहा होगा, लीगेंड क्या लेकर आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज बढ़ेगा वो क्या करेगा, लीगेंडों को उतना ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि प्लस थ्री वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो लीगेंडों को क्या करेगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो लीगेंड ज़्यादा पास तक आ पाएंगे, और लीगेंड जितनी ज़्यादा पास तक आ पाएंगे धातु के डी ऑर्बिटल के, स्प्लिटिंग भी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, जबकि प्लस टू में क्या है आवेश कम है, तो लीगेंड पास तो आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा पास नहीं आएंगे। जब लीगेंड डी ऑर्बिटल के ज़्यादा पास नहीं आएंगे तो उनको ज़्यादा प्रभावित भी नहीं करेंगे, और ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी कम रहेगी, जबकि प्लस थ्री में चार्ज बहुत बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, तो लीगेंडों को क्या करेंगे बहुत ज़्यादा आकर्षित, तो बहुत ज़्यादा जब लीगेंड पास में आएगा तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और हमारे लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण की वजह से जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स का विपाटन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो सीएफएससी यानी डेल्टा का मान भी बढ़ेगा, तो डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से डेल्टा का मान बढ़ता है क्योंकि लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण
बढ़ जाता है जिससे डेल्टा का मान अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपने ये लिखे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इनको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं और फैक्टर्स देखते हैं। दिख रहा होगा, ठीक है मिटा देती हूँ। अगला फैक्टर देखते हैं, जो दूसरा फैक्टर है वो है डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे डी ऑर्बिटल के अंदर, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं। जो डेल्टा होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की। कहने का मतलब है डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी सी एफ एस सी का मान उतना ही कम प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होता है भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कॉम्प्लेक्स लेकर चल रहे हैं, कोवाल्ट H2O का होल 6 2+, ठीक है, और एक है हमारे पास NiH2O का होल 6 2+। हम ऑक्सीकरण अवस्था का इफेक्ट थोड़ी देख रहे हैं जो हम ऑक्सीकरण अवस्था चेंज करेंगे, हम तो ऑक्सीकरण अवस्था सेम रख रहे हैं, बस क्या देखना है हमें, डी इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। एक हमारे पास मेटल है कोबाल्ट, एक है निकल, कोबाल्ट भी क्या है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, निकल भी क्या है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, इलेक्ट्रॉन्स देख लें, वैसे इसका विन्यास क्या होता है 3d7 4s2, इसका होता है 3d8 4s2, यानी कि जब ये नॉर्मल था, जब इस पर प्लस आवेश नहीं था तो ये विन्यास था, जैसे इस पर +2 आवेश आया तो ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इस पर +2 आवेश आया, जैसे इस पर +2 आवेश आया तो ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इस पर +2 आवेश आ गया। अब अगर हम देखें कोवाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोवाल्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, निकल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो किसके लिए सी एफ एस सी का मान ज्यादा होगा, जब इनके लिए डेल्टा कैलकुलेट किया गया, जब इनके लिए डेल्टा कैलकुलेट किया गया तो इसके लिए देखते हैं कितना प्राप्त हुआ हमें, तो इसके लिए प्राप्त हुआ हमें 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, कितना प्राप्त हुआ हमें इसके लिए 9200 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए देखिए कितना प्राप्त हुआ, तो उसके लिए प्राप्त होता हमें 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या हो गया भाई, दोनों ही +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ठीक है, दोनों में ही लिगेंड सेम है H2O H2O, ऐसा तो नहीं कि एक में लिगेंड दूसरा हो, एक में प्रबल एक में दुर्बल है, तो एक में कम स्प्लिटिंग होगी एक में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, ऐसा भी नहीं है, ऑक्सीकरण अवस्था भी सेम है, बस क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, कोवाल्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है डी इलेक्ट्रॉन कम है उसकी सी एफ एस सी ज़्यादा प्राप्त हुई, और जिसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर सी एफ एस सी कम प्राप्त हुई। कैसे, क्यों? अरे भाई क्या होगा, जितने ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल के अंदर, 5d ऑर्बिटल हैं, 5d ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा लिगेंड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि लिगेंडों को पास आने ही नहीं देंगे, जब लिगेंड ज़्यादा पास नहीं आएंगे तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लिगेंडों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यहाँ पर 8 लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन लिगेंडों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो कहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर ये लिगेंडों को दूर भगा रहे हैं, पास आने ही नहीं दे रहे, जबकि यहाँ पर क्या है कम इलेक्ट्रॉन है, तो लिगेंड क्या है ज़्यादा पावरफुल है, तो ज़्यादा पास में आ पाएगा, और जितना ज़्यादा लिगेंड पास आएगा उतनी ज़्यादा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, विपाटन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर लिगेंड ज़्यादा पास आ पाते हैं इसलिए स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए सी एफ एस सी ज़्यादा प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर लिगेंड जो है वो कम पास आ पाते हैं इसलिए उनकी स्प्लिटिंग जो है कम होती है। तो जो डी और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा के, नोट कर लीजिए। क्या इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जितने
अधिक डी इलेक्ट्रॉन होंगे वे लिगेंडों को निकट आने से रोकेंगे, जिससे डेल्टा का मान कम प्राप्त होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि हमने देख लिया, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर सीएफएससी कम प्राप्त हुई क्योंकि लिगेंड ज्यादा पास नहीं आ पाए, और जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है वहां सीएफएससी ज्यादा प्राप्त हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा डी ऑर्बिटल्स के ज्यादा पास तक आ पाए तो ज्यादा स्प्लिटिंग कर पाए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर देखते हैं, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? हम जानते हैं कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम में देखें सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम देखें तो इसका 3s1 में 1s2, 2s1 इसका क्या होता है 3s1, यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 4s1, तो इसकी अंतिम कक्षा कौन सी है? सेकंड वाली, इसमें तीसरी है, इसमें चौथी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये जो n है ये क्या प्रदर्शित करता है? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या। अगर आपने क्वांटम संख्या पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि प्रधान क्वांटम संख्या से हमें किसके बारे में पता चलता है? कक्षाओं के बारे में, सेल्स के बारे में पता चलता है कि जो हमारा धातु आयन है उसके अंदर कितनी कक्षाएं मौजूद हैं। इसकी नॉलेज हमें किससे होती है? प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ हम संकुलों की बात कर रहे हैं, तो संकुल किससे बनते हैं? अभी तक हमने जितने भी संकुल बने वो किससे बन रहे थे? संक्रमण तत्वों से। और जैसा कि आप जानते होंगे, सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे संक्रमण तत्व हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है। एक है हमारी 3D सीरीज, एक है हमारी 4D सीरीज और एक है हमारी 5D सीरीज, ठीक है। एक 6D भी है, लेकिन ये कैसी है? 6D सीरीज भी है, लेकिन ये क्या है? इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको हम इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, 3D सीरीज है, इसमें कौन से स्कैंडियम से लेकर कहां तक के मेटल है? जिंक तक के मेटल है। ये यट्रोबियम से शुरू होकर कहां पर खत्म होती है? कैडमियम पर। और ये लैंथेनम से शुरू होकर कहां खत्म होती है? मरकरी पर। तो यहां पर ये 3D कहा गया है, इसको 4D कहा गया है, और ये जो श्रेणी होती है लैंथेनम से मरकरी तक की श्रेणी होती है इसको क्या कहा गया है? 5D श्रेणी कहा गया है। क्यों इनको 3D, 4D, 5D क्यों कहा गया है? इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के आधार पर। जो 3D सीरीज है उसमें देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षकों में जाते हैं? 3D में जाते हैं। तो जो 4D सीरीज होगी उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 4D में जाएंगे। ऐसे 5D सीरीज होगी उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 5D में जाएंगे। यानी कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर विभाग किया गया। तो ये जो यहाँ पर ये नंबर है 3, 4, 5, ये किसको बता रहे हैं? इनकी कक्षाओं को बता रहे हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में उपस्थित है। और प्रधान क्वांटम नंबर जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रधान क्वांटम नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रधान क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये बताता है ये कितनी कक्षाएं हैं। और यहाँ पर ये 3D, 4D, 5D ये क्या बता रहा है? कक्षाओं की संख्या। इसका मतलब 3 कक्षाएं होंगी, यहाँ पर 4 कक्षाएं होंगी, यहाँ पर क्या होंगी? 5 कक्षाएं होंगी। अब ये देखो, ये नाभिक है, 3 कक्षाएं, ये नाभिक है, 4 कक्षाएं, ये नाभिक है, 5 कक्षाएं, तो किसका साइज बड़ा है? जिसमें 3 कक्षाएं उसका साइज छोटा है, 4 वाले का और बड़ा है, और 5 वाले का साइज क्या है? और बड़ा है। इसका मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? साइज बढ़ता है। आपने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? बढ़ता है, जिससे उनका साइज भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। जो नाभिक का आकर्षण बल है इलेक्ट्रॉनों पर वो घट जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर 3D देखें, कौन सी कक्षक है? 3D कक्षक है। तो 3D कक्षक का साइज ये है, ये कौन सी है? 3D। 4D कक्षक का साइज इससे बड़ा होगा, ये क्या है? 4D।
और 5D कक्षक का साइज तो इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, ये इतनी छोटी कक्षक है, मान लो इसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो क्या है, जगह कम है, इलेक्ट्रॉन पास पास रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन रखे तो इलेक्ट्रॉन तो कम है लेकिन जगह ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, आराम से दूर दूर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी। यहाँ पर कम जगह थी इसलिए पास पास थे, यहाँ पर ज्यादा जगह इसलिए इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम दिखाई देगी। ये तो और भी बड़ा है तो यहाँ पर क्या है, जगह और भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, जैसा कि हमको दिख रहा है, 3D का साइज छोटा है, 4D का साइज बड़ा है, 5D का साइज बड़ा है। जब लिगेंड आएगा धातु आयन के पास तो क्या करेगा, इन कक्षकों के साथ, इन ऑर्बिटल्स के साथ क्या करता है, लिगेंड इंटरैक्ट करता है अपने इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षकों में तो देता है। तो ये छोटे साइज की कक्षक है, ये बड़े साइज की कक्षक है, ये और भी ज्यादा बड़े साइज की कक्षक है, तो क्या करेगा, लिगेंड क्या है इसके साथ ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, और ये तो और भी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी है, तो लिगेंड क्या करेगा और बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। यानी कि जब लिगेंड यहाँ पर 3D वाले धातुआयन होंगे उनके पास उनके साथ संकुल बनाएगा तो वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो लिगेंड को ज्यादा पास आने नहीं देंगे, और लिगेंड ज्यादा पास नहीं आएंगे धातुआयन के डी कक्षकों के तो विपाटन ज्यादा नहीं होगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, साइज ज्यादा है, तो लिगेंड के साथ अच्छा ओवरलैप होगा, यानी लिगेंड ज्यादा पास आ पाएगा, और लिगेंड ज्यादा पास आएगा तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। 5D में देखें वहां तो साइज और भी बड़ा है, लिगेंड और भी ज्यादा अच्छे से पास आ पाएगा, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो लिगेंड को रोकने के लिए बहुत कम फोर्स लग रहा है, तो लिगेंड क्या करेगा, धातु आयन के पास आ जाएगा बहुत ज्यादा पास, तो क्या होगा, तो धातु आयन के बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, जब बहुत ज्यादा पास आएगा तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब हम 3D से 4D सीरीज में जाते हैं तो जो डेल्टा का मान है वो 30-50% तक बढ़ता है, यानी कि एक 3D का सदस्य 4D का सदस्य है, तो 4D वाले की CFSC 30-50% ज्यादा होगी 3D वाले से। ऐसे जब हम 4D से 5D में जाते हैं, यानी 4D का सदस्य और 5D का सदस्य है, तो यहाँ पर भी डेल्टा का मान क्या होता है, 30-50% तक बढ़ता है, यानी कि 3D की तुलना में 4D वाले ज्यादा अच्छे संकुल बनाएंगे, यानी उन पर स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, और 4D की तुलना में 5D वाले और भी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि लिगेंड और भी ज्यादा पास आ पाएगा। तो इसीलिए आपको अगर याद हो पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि ये जो 4D और 5D श्रेणी के सदस्यों से जो संकुल बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लो स्पिन होते हैं, क्योंकि हाई स्पिन और लो स्पिन का केस केवल कौन सी सदस्यों में रहता है, 3D श्रेणी के सदस्यों में रहता है, 4D और 5D श्रेणी के सदस्यों में लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होते, या तो सारे ही संकुल लो स्पिन बनते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो लिगेंड बहुत ज्यादा पास आ जाता है, जिससे जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेयरिंग एनर्जी कम होती है और ये गैप ज्यादा होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर ऊपर जाना है इलेक्ट्रॉन को तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए, जबकि अगर नीचे पेयर कर ले तो उसमें कम एनर्जी खर्च होती है, तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊपर न जाकर पहले नीचे पेयर बनाते हैं, जब नीचे सारी ऑर्बिटल भर जाती है उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर जाना ही पड़ेगा, तब ऊपर जाते हैं, यानी कि लो स्पिन संकुल बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल का एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, फैलाव। 3D से 4D में जाने पर, 4D से 5D जाने पर डी ऑर्बिटल का एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे लिगेंड के साथ इनका इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो जब बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा तो वहां पर CFSC का मान भी ज्यादा बढ़ेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं, प्रधान क्वांटम संख्या बढ़ने से डेल्टा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि n का मान, n यानी प्रधान क्वांटम संख्या, n का मान बढ़ने से d कक्षकों का एक्सपेंशन यानी कि फैलाव बढ़ जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व
कम हो जाता है जिससे लिगेंड धातु आयन के अधिक समीप आ जाते हैं व डी कक्षकों को अधिक प्रभावित करते हैं जिससे डेल्टा का मान बढ़ जाता है, यानी कि डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बढ़ेगा तो डेल्टा का मान बढ़ेगा। यहां पर हम लिखते हैं जब हम 3D से 4D श्रेणी में जाते हैं, 3D से 4D श्रेणी में जाने पर डेल्टा का मान कितना बढ़ता है, 30 से 50% तक बढ़ता है। ऐसे जब हम 4D से 5D श्रेणी में जाएंगे तो डेल्टा का मान कितना, 30 से 50% तक बढ़ता है। क्या मतलब है, मतलब ये है जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है COH2O का 4-6-3+, एक है RuH2O का 4-6-3+, एक है IRH2O का 4-6-3+। यहाँ पर देखें लिगेंड सेम है सब में, H2O, ऑक्सीकरण अवस्था सेम है, +3+3+3, केवल क्या डिफरेंट है, धातु कोबाल्ट है, यहाँ पर रोडियम है, यहाँ पर इरिडियम है। कोबाल्ट जो है वो 3D श्रेणी का सदस्य है, रोडियम जो है वो 4D श्रेणी का सदस्य है, और इरिडियम कौन सी श्रेणी का है, 5D श्रेणी का सदस्य है। इसका मतलब इरिडियम क्या है, 5D श्रेणी का सदस्य है। इसका मतलब कि ये 3D या और ये 4D, ये 5D, 3D का साइज ये है, 4D का साइज ये है, 5D का साइज ये है, तो कहां पर ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, 5D में ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा होगा तो डेल्टा का मान ज्यादा होगा, 4D में 3D की तुलना में तो अच्छा ही होगा लेकिन 5D की तुलना में थोड़ा कम होगा, इसलिए CFSE का मान 3D से ज्यादा होगा और 5D से कम होगा। और 3D की साइज देंगे तो बहुत छोटी है तो लिगेंड के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा, तो डेल्टा का मान सबसे कम होगा। ठीक है, देख लेते हैं इनके लिए डेल्टा कितने प्राप्त होते हैं। इसके लिए डेल्टा का मान प्राप्त होता है 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये 4D में, 3D के लिए 23,000 है, 4D में आ गए तो 4D में स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि 4D का साइज बड़ा है, लिगेंड अच्छा इंटरेक्ट करेगा तो 4D का साइज स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा, यानी CFSE इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, कितनी, 30 से 40% या 50% तक ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर होती है 34,100 सेंटीमीटर इनवर्स। इससे तो बहुत ज्यादा है क्योंकि 4D का साइज बढ़ेगा, लिगेंड के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब जैसे हम 4D से 5D में जाते हैं, यही तो मैंने बोला, 3D से कहाँ गए, 4D में गए, तो डेल्टा का मान इंक्रीज हुआ 30 से 50% तक। अब 4D से 5D में जाएंगे तो डेल्टा का मान और भी ज्यादा इंक्रीज होगा 30 से 50% तक, यानी इसके लिए डेल्टा का मान तो और भी ज्यादा आएगा, इसके लिए आता है 41,200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बढ़ेगा, यानी 3D 4D से 5D में जाएंगे तो डेल्टा का मान बढ़ेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं हम क्यों बढ़ेगा, बार बार रिपीट करने से क्या मतलब, आपको याद हो गया होगा अब तो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुमको एक पिछले बार एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि जो हमारे इसीलिए 3D कह रहे हैं 4D और 5D श्रेणी के सदस्य सदैव क्या बनाते हैं, निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। 4D और 5D श्रेणी के सदस्य सदैव क्या बनाते हैं, निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, रीजन हम देख चुके हैं, क्योंकि 4D और 5D के साइज बड़ा होता है तो वो लिगेंड के साथ अच्छा इंटरेक्ट करती हैं, तो ये गैप बहुत ज्यादा होता है, तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो ये गैप बहुत ज्यादा है नीचे से ऊपर तक का,
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर कर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। फिर जब नीचे सारी ऑर्बिटल भर जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये कंडीशन किसकी है, लो स्पिन की। इसीलिए 4d और 5d के सदस्य जो होते हैं वो सदैव क्या बनाते हैं, लो स्पिन संकुल बनाते हैं। उतार लीजिए, फिर हम अगला फैक्टर देखते हैं। मिटा देती हूँ, अगला जो फैक्टर है वो है लिगेंडों की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगेंड्स। या भी मैंने जस्ट स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी पढ़ाई थी, उसमें आपने देखा था लिगेंडों को प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र रखा था, तो मैंने बताया था। अब पहले भी बता चुकी हूँ, जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं उनका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कि वो धातु आयन के ज्यादा पास आ जाते हैं, और ज्यादा पास आएंगे तो डेल्टा का मान क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये गैप बढ़ जाता है, और ये गैप बढ़ेगा तो सीएफएससी बढ़ेगी। जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उनका इफेक्ट बहुत वीक होता है, तो वो धातु आयन के ज्यादा पास नहीं जा पाते, तो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो डेल्टा का मान कम प्राप्त होगा। ये पहले ही बता चुकी, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं, बाकी जो डिस्कशन करेंगे वो हम अगले यूनिट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे प्रबल क्षेत्र लिगेंड डेल्टा के मान में वृद्धि करते हैं, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड लिगेंडों द्वारा डेल्टा का मान कम प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है वो हम अगली यूनिट में देखेंगे। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो डेल्टा का मान ज्यादा प्राप्त होगा, संकुल कैसा बनेगा, लो स्पिन। अगर दुर्बल क्षेत्र होगा तो डेल्टा का मान कम प्राप्त होगा और संकुल कैसा बनेगा, हाई स्पिन। पांचवा जो फैक्टर है लास्ट वो है लिगेंडों की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड। अब तक आप दो तरह के संकुल पढ़ चुके हैं, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। आपने देखा था, मैंने बताया भी था, अष्टफलकीय में डेल्टा जो होता है वो ज्यादा होता है, चतुष्फलकीय में डेल्टा जो होता है वो कम होता है, स्प्लिटिंग कम होती है। क्यों? क्योंकि अष्टफलकीय में कितने लिगेंड है, एक धातु आयन को छह लिगेंड घेरे हुए हैं, छह लिगेंड पास आ रहे हैं, तो छह लिगेंड ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए वो डेल्टा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में कितने लिगेंड है, चतुष्फलकीय संकुलों में केवल चार लिगेंड है, वो धातु आयन को प्रभावित करेंगे तो डेल्टा का मान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो यानी कि चार, जहां पर छह लिगेंड प्रभावित करेंगे वहां ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जहां पर चार लिगेंड प्रभावित करेंगे वहां पर कम स्प्लिटिंग होगी। तो सीधी सी बात है, लिगेंडों की संख्या जितनी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लिगेंडों की संख्या के। जहां लिगेंड ज्यादा होंगे वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इसमें कुछ थ्योरी ज्यादा लिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए होंगे। जैसे अष्टफलकीय संकुलों में छह लिगेंड होते हैं तो वहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, चतुष्फलकीय संकुलों में चार लिगेंड होते हैं वहां पर स्प्लिटिंग कम होती है। इसीलिए तो हमने लिखा था डेल्टा ओ जो है वो बड़ी होती है किससे, डेल्टा टी से। यहाँ कितने लिगेंड है, यहाँ छह लिगेंड्स हैं, यहाँ कितने लिगेंड है, यहाँ पर फोर लिगेंड से स्प्लिटिंग हुई है, तो इसका मान ज्यादा होगा। और लिखाया भी था रिलेशन, डेल्टा टी जो होती है 4/9 टाइम्स होती है डेल्टा ओ के, यानी डेल्टा ओ से 4/9 गुना कम होती है
डेल्टा टी, क्योंकि लिगेंडो की संख्या कम है भाई, लिगेंड कम प्रभावित करेंगे अगर संख्या में कम होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीएफएससी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अष्टफलकीय पढ़ लिए, संकुल चतुष्फलकीय पढ़ लिए, अब हम बढ़ेंगे समतल वर्गाकार, उन संकुलों में डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होती है वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।